स्वागत है। फाइनली बहुत दिनों के बाद आप नजर आ रहे हो। कहाँ थे आप? फोटो मुंबई गए थे आप, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली वेटिंग इज ओवर, क्योंकि कल की रिलीज होने जा रही है बड़ी स्क्रीन पे। एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है, दो दो ट्रेलर रिलीज हो गई है और बाप लेवल में बुकिंग चालू है। तो क्या कहना चाहोगे? अभी जैसा कि जस्ट अभी अभी मैं कर्नाटक से आया हूँ जी, तो वहाँ पे तो पूरा बुक माई शो क्रैश हो गया। करेक्ट। और थिएटर में तो पैर रखने की जगह नहीं है, इतना सीट फुल हो गई। सुबह 3 बजे का शो पूरा हाउसफुल है। करेक्ट। अभी समझो वहाँ पे एक हफ्ते के लिए ना पूरा थिएटर के बाहर बोर्ड डाल दिया लोगों ने, सोल्ड आउट बोल के। टिकट नहीं है वहाँ पे कल्कि की। करेक्ट। तो पिक्चर तो अच्छा कमाएंगी। अगर देखा जाए बुक माई शो पे तो अजित कुमार की वैली माई मूवी के बाद ये मूवी का जो बुक माई शो मिलियंस में गिर रहा है। गलत है आप। वाली माई के बाद लियो का गया था, उसके बाद ये गया। 1.1 मिलियन। हाँ, लियो का गया था, उसके बाद ये आया। शायद लियो का ध्यान नहीं हाँ। लगा वाली माई के बाद। हाँ तो हाँ। अच्छी बात है ना, गया तो अच्छी बात है और प्राउड है अपने को। क्या मतलब, साउथ इंडस्ट्री की पिक्चर ही जा रही 1 मिलियन पे, यहाँ की कौन सी गई है जरा बताओ ना। मेरे को याद नहीं है। लेकिन देखा जाए तो इसमें हमारे अमिताभ बच्चन सर है, दीपिका पाडुकोण है, और खासकर दीपिका पाडुकोण को लोग लकी गर्ल बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, हो जाती है वो भी 1000 करोड़ चली जाती है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। मेरे भाई एक बात बोलू, दीपिका को छोड़ो एक तरफ, अब ये डायरेक्टर है साउथ का, नाग है ना, अश्विनी नाग जी, साउथ का डायरेक्टर है, पिक्चर साउथ की है। पिक्चर का बजट कितना है वो यहाँ पे ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बॉलीवुड में जी। तो वो हिसाब से वो कमा के देगा बंदा। यहाँ पे किसके अंदर भी इतना गट्स नहीं है। भले से मैं वो हीरो का फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं जो फैक्ट है वो बोल रहा हूँ तुम्हारे को, जो सही है ना भाई रियलिटी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर पिछली फिल्में हम उठा के देखें प्रभास सर की, तो बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा कमाल कर पाई है आफ्टर बाहुबली के बाद। क्या लगता है ये बाहुबली जैसा कुछ माहौल बना पाएगी थिएटर के बाद? देखो भाई, पिक्चर अच्छी रहेंगी तो माहौल बनाने में फिर कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ तक के मेरे को लग रहा है ना, ये पिक्चर में कुछ अलग है भाई। ये कमल हसन का रोल भी एकदम अलग है, एकदम एंटिक रोल है उनका भी। तो कुछ अलग है पिक्चर में। स्टोरी अभी कैसा है ना, ट्रेलर में नहीं मालूम पड़ रही, लेकिन देखने के बाद मालूम पड़ेगी। जैसा साहू में मालूम, साहू बोल रहा हूँ, सलार में मालूम पड़ा था क्या, वो एंड में उसका सेकंड पार्ट बनने वाला है, एंड में जब प्रभास को दिखाता है, तो वैसा इसका भी कुछ सेकंड बनेगा। 3 घंटे की पिक्चर है तो स्टोरी तो रहेंगी रहेंगी। अब देखो भाई, जब पॉजिटिविटी रहती तो वहाँ नेगेटिविटी भी रहती। नेगेटिव बातों से याद आया मेरे को, कुछ लोग हैं जो कि, अरे बोलने दो ना भाई, उनका काम है बोलना। वो नहीं बोलेंगे तो मार्केट कैसा गर्म होएगा? मार्केट गर्म होने के लिए वैसे लोग भी ज़रूरी है ना, लेकिन जब पिक्चर में दम है तो फिर वो कोई नेगेटिव रिव्यू भी काम नहीं आता भाई, ये याद रखना। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ क्या, अब ये पिक्चर का ना भाई, कम से कम साउथ में ना बालकनी 1500 रुपये का पहले दिन का है, और स्टॉल कुछ 1200 रुपये का पहले दिन का। ये कोई फेस्टिवल नहीं है, कुछ नहीं है, सादा दिन है, लेकिन क्रेज देखो तुम, इसको बोलते हैं स्टारडम। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। चलिए एंड में जाते जाते पूरी टीम को क्या विशेष देना चाहोगे आप अपनी वीडियो में? बेस्ट ऑफ लक, आपकी पिक्चर अच्छी निकलेंगी तो ज़रूर चलेंगी, वो बात अलग है। क्या हम लोग तो सपोर्ट करते ही है साउथ मूवी को, तो हम आएंगे पहले दिन नाइट शो आके ज़रूर देखेंगे पिक्चर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।